the table of Dobinier, it was ma'am, it was like it was a triad, and in which the first and the third ones atomic mean gives the atomic mean of their atomic masses give the mass of the second element, and it had five triads. The first one was lithium, sodium, and potassium. Second one, calcium, strontium, and barium. Strontium and barium. Third one, chlorine, bromine, iodine. Fourth one, sulfur, selenium, tellurium. Okay. And fifth one, nitrogen. We haven't done yet in that day. The sulfur, selenium, and tellurium. So can you tell me the masses of sulfur, selenium? Ma'am, sulfur is 32.06. Mm-hmm. And selenium is 78.96. 78.96. Then? Ma'am, and tellurium is 127.60. ठीक है फिर 32 और 128 का यू विल गेट अ मीन एंड यू विल गेट 79 ओके देन फिफ्थ वन मैम नाइट्रोजन फास्फोरस एंड आर्सेनिक नाइट्रोजन फास्फोरस एंड आर्सेनिक डिपेंडेड आयरन कोबाल्ट एंड निकल Yes or no? It's iron, cobalt, nickel. What are the limitation of Daubigny? Yes, Arshin. What were the limitation of Daubigny? So this was the fifth trade. Everyone write down. We have done four trades. Yes, ma'am. Ma'am, the limitations of this periodic table or the Daubigny's trades were Ma'am, that the new elements that were discovered, ma'am, they were difficult to classify according to the Daubigny's periodic table. Second, and ma'am, only five were discovered, and if new were discovered, they can't be grouped as the triads. Third, only certain elements were known, so that they were not able to fit into these triads, and this resulted in the disordered collection. चलो नाउ स्टार्ट विद द नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव लेट मी शेयर यू द टेबल फर्स्ट जस्ट चेक इट आउट आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू ओपनिंग ओके तो बेटे यू कैन सी द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव दिस पीरियोडिक टेबल See in this periodic table, you can easily see that the hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. See in the new periodic table, that is a modern periodic table, but yehi elements aise arrange hai sirf hydrogen ko chhod ke. हाइड्रोजन के बाद लिथियम सेकेंड अगर अगर हम बोलते हैं मॉडर्न्स का सेकेंड जो पीरियड है सो सेम देखो वही है लिथियम बेरिलियम देन बोरोन ओके सो हाइड्रोजन को छोड़ दो आप देन लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ठीक है बेटे अब ये आपके किस पीरियोडिक टेबल को बिलोंग कर रहे हैं इट इज बिलोंगिंग टू द सेकेंड पीरियोडिक टेबल ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ठीक है उसके बाद आ जाता है बेटे फ्लोरीन फ्लोरीन किसको बिलोंग करता है ये भी अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इट विल बिलोंग टू द सेकेंड पीरियड ओनली ठीक है सेकेंड पीरियड ओनली अब इस लॉ के हिसाब से अगर आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस लगाते हो तो जो एट्थ है आफ्टर देखो कितने नोट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 नोट्स हैं तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स 7 नोट्स कितना अरेंज करते हो तो
तो जो एट्थ वन है जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन, उनकी प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं जब ये करवाते हैं, नोट्स करवाते हैं इन द पियानो ऑल्सो, द सेवन नोट्स के बाद जो एट्थ नोट है इट हैज सेम साउंड एज द फर्स्ट वन। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन है, तभी तो हाइड्रोजन को प्लेस नहीं मिल पाई बेटे। इन योर पीरियोडिक टेबल यू जनरली डू हाइड्रोजन, देन लिथियम, देन योर सोडियम इज कमिंग, बट हाइड्रोजन डिडंट गेट एनी प्लेस इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टू बिकॉज इट हैज बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन्स, दैट इज फ्लोरीन, एंड दैट इज अल्कली मेटल्स, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब इसको छोड़ दो, अगर मैं सेकेंड से समझाऊं तो अगर लिथियम है बेटे, एट्थ एलिमेंट लिथियम अगर आप काउंट करते हो तो एट्थ सोडियम बनता है। जैसे लिथियम फर्स्ट, सेकेंड इज योर बेरिलियम, देन थर्ड इज बोरोन, देन फोर्थ इज कार्बन, देन फिफ्थ इज नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, एंड देन एट्थ इज सोडियम। सो एवरी एट्थ एलिमेंट हैज सेम प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ओके, सो लिथियम हैज द सेम प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम, सोडियम इज हैविंग द सेम प्रॉपर्टी ऑफ दैट इज पोटेशियम। ओके, देन पोटेशियम इज हैविंग द सेम प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर, देन रुबीडियम। इन द सेम वे देखो, ये तो सेकेंड पीरियोडिक टेबल देखो आपका, सेकेंड ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो यू कैन फाइंड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम, नॉट जिंक। जिंक बिलोंग करता है बेटे डी ब्लॉक को। ठीक है, उस टाइम जितने एलिमेंट 64 एलिमेंट जो डिस्कवर्ड थे उसको न्यूलैंड ने इस वे में ऑर्गेनाइज किया उस टाइम जो, मगर जब नए एलिमेंट आए तो इट विल नॉट फिट अकॉर्डिंगली। अब हम देखते हैं बेटे, जिंक इज नॉट फिटिंग इन दिस, कॉपर इज नॉट फिटिंग इन दिस, कोबाल्ट एंड निकल इज नॉट फिटिंग इन दिस। ठीक है, दिस इज यूटेरियम, दिस सीरियम, लैंथेनम, दे बिलोंग टू एफ ब्लॉक नाउ। जो अब नया प्रोडक्ट टेबल है उसका एफ ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। ठीक है बेटे, जिरकोनियम जो नया पीरियोडिक टेबल है उसका डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। अब ये इस ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहे, मगर उस टाइम न्यूलैंड ने क्या किया, इट ही हैज अरेंज द एलिमेंट्स एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड ऑक्टेव्स, जैसे सारे गामा पा करते हो, इन द सेम वे ही हैज अरेंज। ओके बेटे, ठीक है, नाउ यस। ठीक है, तो हमने देखा कि जब न्यूलैंड ने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस लगाया तो हर एक एवरी एट्थ एलिमेंट उसकी सेम प्रॉपर्टीज आ रही थी फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है। ठीक है, अब मैंने कितनी एग्जांपल दी, जैसे कि सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम से है। ठीक है, देन आपकी कोई भी, आप मान लो, अगेन आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, जस्ट सी इट, वेट, स्क्रीन शेयर। तो देखो लिथियम के साथ सोडियम मिलती है, वेयर इज माय एनोटेशन, जस्ट चेक इट आउट। सो लिथियम हैज द सेम प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम पोटेशियम। These all element can lose one electron. These all element, if according to the modern also we say see that these all are alkali metals. Like beryllium ke baad magnesium, it is alkaline earth metal. These all can lose two electrons. Even zinc can also lose two electrons. ठीक है, likewise B, boron, aluminium can lose three electrons. कार्बन सिलिकॉन कैन लूज फोर इलेक्ट्रॉन और शेयर फोर इलेक्ट्रॉन। सो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यू कैन सी नाइट्रोजन फॉस्फोरस इन द 15th ग्रुप, ऑक्सीजन सल्फर एंड सिलीनियम, नॉट आयरन, आयरन बिलोंग टू नाउ डी ब्लॉक। ठीक है, मगर फिर भी इनकी प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी थी, कुछ हम लिमिटेशन भी देख रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम है बेटे, मगर आयरन, ये तीनों नॉन मेटल्स हैं, मगर जो आयरन है वो एक मेटल्स है, यही हम लिमिटेशन में आगे करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आपके क्या हो जाते हैं, नॉन मेटल। मैगनीज एक मेटल है बेटे, इवन जिरकोनियम इज अ मेटल, सीरियम एंड लैंथेनम आर हैवी मेटल्स बिलोंगिंग टू एफ ब्लॉक।
देखो यही लिमिटेशन बन जाती है, मगर उसने जब अरेंज किया तो उसने बिल्कुल सही अरेंज करने की कोशिश करी। उसने कहा कि अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस एलिमेंट्स को लगाता हूँ तो एवरी एट्थ एलिमेंट हैज कंपेयरेबल प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट वन, लाइक एवरी एट्थ मीन्स सोडियम हैज कंपेयरेबल प्रॉपर्टी विद द लिथियम, मैग्नीशियम हैज कंपेयरेबल प्रॉपर्टी विद बेरिलियम, देन बोरोन हैज कंपेयरेबल प्रॉपर्टी विद एल्युमिनियम। ठीक है, द प्रॉपर्टी विल बी सेम, व्हाई द प्रॉपर्टी विल बी सेम, वी नो नाउ दे विल लूज सेम काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ वन इज लूजिंग वन द अदर वन इज ऑल्सो लूजिंग द वन, लाइक बेरिलियम इज लूजिंग द टू देन मैग्नीशियम इज ऑल्सो लूजिंग द टू, बोरोन इज लूजिंग द थ्री देन एल्युमिनियम इज ऑल्सो लूजिंग द थ्री। ठीक है, सो वेन ही अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटोमिक मासिस, every eighth element has a comparable property with the first element. Got the point? Yes, everyone. Yes, bete. Everyone got the point? Yes or no? Only Arshin is listening. Baki kahan hai? Okay. Okay. Very nice. Theek hai? So this was Newland law. ठीक है, तो अब न्यूलैंड लॉ की क्या बेनिफिट थे? ठीक है, लेट अस सी इट्स एडवांटेजेस। तो जब इसने अरेंज किया तो इसने कितने सारे ग्रुप बना दिए? डोबिनियर ने हमें बेटे थ्री ग्रुप्स दिए हमें फाइव ट्रेड्स दी। ठीक है, अब ये जो था इसने बहुत सारे ग्रुप दे दिए। व्हेन ही क्लासिफाई द एलिमेंट लाइक दिस we are getting so many now groups. Okay? Okay? And he has arranged the elements according to the atomic masses. So he linked the property of the elements with the atomic masses. So we can say he was the first scientist to link the properties of the element with the atomic masses. जो डोबिनियर था उसने दो के एटॉमिक, सिर्फ उसने इतना ही बोला था बेटे, प्रॉपर्टी कंपेयर्स नहीं करी थी, जस्ट ही सेड टू अस दैट इफ यू विल टेक द अर्थमैटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट वी विल गेट द मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट, दैट्स इट। बट इसने कोई प्रॉपर्टीज की बात नहीं करी थी, बट ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही हैज कंपेयर द properties of the elements with the atomic masses. ठीक है, so he linked the properties of the element with the atomic masses. ठीक है, when he linked the element, certain elements found to be very correctly combined or correctly arranged, like lithium, sodium, potassium. We can say you have seen the Newland octave, CD, that is beryllium, magnesium is very accurately placed in that, boron and aluminium very accurately placed in that. Okay, so these are certain we can say advantages. Okay, so here classify the items into a group which help us to study the periodic table very much easy. Okay, now he have compared the properties, atomic properties or element properties with the atomic masses. Okay, and certain elements does have the same result, like lithium, sodium, potassium, if they were combined in a slot they have same properties, we can say. ठीक है, so we can say these are the certain advantages of this Newland octave. So what are the disadvantages? I have already shown you the disadvantage bete. We have seen that nickel and cobalt were placed in the same slot. You have seen the periodic table. There you have seen that nickel and cobalt same slot में है। हमने ये भी देखा कि halogens के साथ hydrogen के नीचे fluorine है, chlorine है, उसमें nickel और cobalt सारा कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको बेटे कितने F block के element lanthanum, cerium डाले गए हैं। This is limitation. इसी limitation आप जितनी मर्जी बना लो बेटे, ऐसे limitation. Just I am showing you the periodic table again and just draw your limitation yourself then. Okay, now I will ask you the limitation after showing you the periodic table. Okay, theek hai, so hame limitation bahut nazar aa rahi hai, dekho isko dhyan se.
हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन बेटे हेलोजन है, ब्रोमीन भी हेलोजन है, कोबाल्ट निकल हेलोजन नहीं है, ये डी ब्लॉक को बिलोंग कर रहे हैं, दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कोबाल्ट एंड निकल ये सेम स्लॉट में क्यों रखे गए, इट्स वेरी रॉन्ग। देन अगेन लिथियम सोडियम पोटेशियम रेमेडियम आर अल्कली मेटल, बट इसमें क्या प्लेस्ड है, कॉपर अगेन विच बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, ठीक है। देन बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम एंड स्ट्रॉन्शियम दीज आर एल्केलाइन अर्थ मेटल, बट जिंक इज अगेन बिलोंगिंग टू द डी ब्लॉक। देन दिस बोरोन एंड एल्युमिनियम आर बेटे ऑफ सेम ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बट क्रोमियम बिलोंग्स टू द डी ब्लॉक एलिमेंट, सो एज यूटेरियम बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक, सीरियम एंड लैंथेनम ऑल्सो बिलोंग टू एफ ब्लॉक। अगेन इन दिस बेटे यू कैन सी दैट कार्बन सिलिकन एंड टाइट दिस बिलोंग्स टू द 14th ग्रुप, दिस इंडियम ऑल्सो बिलोंग्स टू द 14th ग्रुप, बट जिरकोनियम डजेंट बिलोंग, इट बिलोंग टू द डी ग्रुप, डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इन द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इट इज प्लेस्ड। सो नाइट्रोजन एंड फॉस्फरस बिलोंग्स टू द 15th ग्रुप, मैगनीज अगेन बेटे इट बिलोंग्स टू द डी ब्लॉक। अब इसका ग्रुप में आपको बताऊं तो इट विल बी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स आई थिंक सेवन्थ, मैग्नीज ग्रुप इज सेवन्थ, ठीक है। तो डी ब्लॉक में ये विद एटॉमिक नंबर 25 वहां पे पड़ा है, ऐसे ही आयरन है बेटे विद एटॉमिक नंबर 26 अगेन डी ब्लॉक में पड़ा है, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम एक नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स हैं, जहाँ आयरन एक मेटल है आपका, तो बेटे यही लिमिटेशन बन जाती है। तो इसने कितना कुछ ऐसे एलिमेंट्स प्लेस करे जिनकी प्रॉपर्टीज नहीं मिलती हैं, तो आप जो जितनी मर्जी लिमिटेशन लिखो, ठीक है, कोई रॉन्ग तो कर नहीं सकता आपको कि हम देख रहे हैं जी कोबाल्ट निकल हैलोजन के साथ प्लेस्ड है, कॉपर जो है हमारे अल्कली मेटल्स के साथ प्लेस्ड है, जिंक जो है एल्केलाइन अर्थ मेटल के साथ प्लेस्ड है, सीरियम लैंथेनम जो एफ ब्लॉक को बिलोंग करते हैं वो बोरोन एल्युमिनियम के साथ लगे हुए हैं, जिरकोनियम भी इनके साथ लगा हुआ है, मैग्नीज नॉन मेटल्स के बीच में प्लेस्ड है, आयरन भी नॉन मेटल्स के बीच में प्लेस्ड है, तो ये लिमिटेशंस ही हैं इसके, ठीक है, दीज आर द लिमिटेशन ओनली। गॉट द पॉइंट, यस और नो एवरीवन? स्लीपिंग समवेयर, ओके, ठीक है। तो सो मैनी ऑफ द लिमिटेशन, यू कैन राइट निकल कोबाल्ट के बारे में लिखो, यू कैन राइट हेलोजन और निकल कोबाल्ट के बारे में, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका सिर्फ कैल्शियम तक ही सही आया है, उसके बाद सही आया ही नहीं है, ठीक है, कैल्शियम तक ही सही आया है, उसके बाद सही नहीं आया हमारा मॉडर्न ब्रांड। नो बेटे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी 100% एप्रोप्रिएट नहीं है, अभी तक हाइड्रोजन को प्लेस नहीं मिली। हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट विच हैव सेम प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड 17th ग्रुप एज यू हैव सीन इन न्यूलैंड ऑक्टेव्स, ठीक है। न्यूलैंड ऑक्टेव्स में भी इन्होंने हाइड्रोजन को पहले ऊपर प्लेस किया है, देन फ्लोरीन, देन क्लोरीन बेटे, ठीक है, देन कोबाल्ट और निकल आ जाता है, उसके बाद प्लेस होती है ब्रोमीन। तो जो हाइड्रोजन है ना बेटे, उसकी दोनों प्रॉपर्टी है, वो कभी कभी इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, जैसे कि वो मेटल्स के साथ लगाओ तो हम बोलते हैं सोडियम के साथ में हाइड्रोजन लगा दो, इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्राइड, तब हाइड्रोजन की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। यही अगर हाइड्रोजन में क्लोरीन के साथ लगा दो, वो HCl बनेगा, तब हाइड्रोजन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ऐसा कुछ मॉडर्न में भी है, ये नहीं कह सकते कि मॉडर्न भी आपका 100% appropriate है, बट हाँ बेटे न्यूलैंड ने उस टाइम पहला ही एक साइंटिस्ट मानो जिसने उस टाइम एटॉमिक मासेस से प्रॉपर्टी लिंक करने की कोशिश करी थी। मेक अप अ टेबल एंड व्हाई डोंट वी मेक अप अ टेबल, आई एम नॉट गेटिंग यू, व्हाट आर यू राइटिंग बेटे? पीरियोडिक टेबल एनी एटॉमिक नंबर बेटे, यू कैन एड एनी नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, अब बहुत ज्यादा एलिमेंट सिंथेसाइज हो गए हैं एंड वो इवन नेचुरल भी नहीं है, सर्टेन आर मैन मेड टू, तो अभी आप हाइयर स्टैंडर्ड में इसकी नेमिंग भी करोगे, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू एज सोडियम वगैरह नहीं बोलोगे,
higher atomic masses ko will tell you the IUPAC nomenclature when you will take medical or non-medical. Just raise the hand when you are asking a question, that sabko pata chalegi kya student koi question pooch raha. Theek hai? Okay? Theek hai bete? So Newland octave, agar hum dhyan se periodic table, again I am sharing with you and again see the periodic table. आपको ये लगेगा कि ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के साथ ही है. देखो अब कैल्शियम तक देखो, बिल्कुल दिख रहा है आपको, जस्ट सी, ये देखो कैल्शियम तक. अब देखो ध्यान से बेटे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, देन पोटेशियम एंड कैल्शियम. उसके बाद क्रोमियम शुरू हो गया, डी ब्लॉक वाला, उसके बाद ही शुरू हुआ ना. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पीरियोडिक टेबल है अप टू कैल्शियम एप्रोप्रिएट है, उसके बाद ये एप्रोप्रिएट नहीं है. वी कैन से दिस और नॉट? यस, वी कैन से दिस और नॉट? ओके, ठीक है. तो ये ही इसकी लिमिटेशन है बेटे. अच्छी बात सिर्फ इसकी इतनी है कि इसने हमें बहुत सारे ग्रुप्स दिए, जैसे कि हमें नजर आ रहा है, सो मेनी ग्रुप्स वी हैव गॉट. ठीक है, अच्छी बात ये है कि इसने एटॉमिक मासेस के साथ प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया. ठीक है, सर्टेनली ये न्यूलैंड के लिए बहुत अच्छी बात है कि इसने कंपेयर करके हमें दिया. और अच्छी बात क्या है इसकी कि इसने कितने एलिमेंट्स की जो स्लॉट्स बनाए, जो भी सेक्शंस बनाए, तो वो बिल्कुल सही सेक्शन बनाए. जैसे कि हमने एग्जांपल दी कि अप टू 20 जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उसमें जो सेक्शंस बने हैं, दिस इज वेरी मच राइट. दिस आर एडवांटेजेस ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स. सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? अगेन सर्टेन एलिमेंट्स वर प्लेस्ड not according to the Newland law, या हम कहें not according to the elements in the way they should be classified. Like nickel and cobalt is placed in the same slot. We have seen nickel cobalt is joined with halogen. We have seen certain non-metals metals are placed in case of oxygen family, that is chalcogens. ठीक है, okay, and only up to 20 elements this was accurate, that is up to calcium it was accurate. Then after the calcium these elements can't be fitted in the octaves. Okay bete, so these are the certain, we can say, disadvantages. Any doubt from this table now? Yes bete, you can ask any doubt. Why don't we make periodic table? Yes no. बेटे एटॉमिक नंबर पे ही है. मेंडलीव के बाद जितने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देखो न्यूलैंड से गलती हुई, न्यूलैंड से गलती हुई कि उसने एटॉमिक मासेस पे बनाया, तो मेंडलीव ने भी एटॉमिक मास, और मेंडलीव ने कई हद तक, नेक्स्ट जो हम करेंगे, ही हैज गिवन अ गुड पीरियोडिक टेबल टू अस. ठीक है, बस वही गलती है कि इसमें एटॉमिक मासेस पे बना दिया. एटॉमिक मासेस पे कैसे बना सकता है जब डिफरेंट आइसोटॉप्स आपको पता है? तो विल सी नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल, तभी जो अब का पीरियोडिक टेबल बना है दैट इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर. पर जब भी हम बेटे एटॉमिक नंबर पे भी अगर बनाया है तो सेम ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज के आने चाहिए. व्हाई डोंट दे सिट टुगेदर एंड मेक वन? दे आर सिटिंग टुगेदर एंड मेकिंग बेटे. नाउ न्यू पीरियोडिक टेबल इन दिसंबर और आई थिंक नवंबर आई हैव सीन अ न्यू पीरियोडिक टेबल ऑन द इंटरनेट. And that periodic table is very much, you can say it is very much tedious to remember. I don't know it will come in the books or not. The search on the Google, it has come like a circle ki tarah bana hua hai, ready-made jaise element kare hue hain humne. Just check it out. Abhi ban gaya hai naya, to dekho kya karte hain wo. But aapka jo periodic table hai bete, it's very good. Sirf hydrogen ko place nahi mili aur certain aur elements ko place nahi milegi agar aage. मगर बाकी बिल्कुल इट इज वेरी मच एक्यूरेट. अरमा यू विल बिकम अ साइंटिस्ट ना, देन यू विल मेक अ न्यू पीरियोडिक टेबल. ओके ठीक है, हाँ.
सो नाउ तो पीरियोडिक टेबल अभी इतने ही करो. तो हमने अभी तक टू पीरियोडिक टेबल कर लिए बेटे. द फर्स्ट वन इज डोबिनियर, उसने ट्रायड्स का, उसने सिर्फ इतना ही बताया कि फर्स्ट और थर्ड का अगर मीन लेते हो तो वो सेकेंड के मीन के इक्वल होता है, और उसने फाइव ट्रायड्स दिए हमें, ठीक है. उसके अलावा उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया. देन आ गया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसने अटोमिक मासिस, इंक्रीजिंग अटोमिक मासिस पे जब पीरियोडिक टेबल जब एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज किए तो उसने देखा कि द एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड एट्थ इज कंपेरेबल, द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ इज कंपेरेबल, ठीक है, व्हेन ही हैज अरेंज्ड इन अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासिस. सो ही हैव गिवन अस द नंबर ऑफ द ग्रुप्स, ठीक है. तो लाइटर एलिमेंट्स हैव वी कैन से द लाइटर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन अ गुड ग्रुप लाइक लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, दे हैव कंपेरेबल प्रॉपर्टीज, बट द हैवियर मेटल्स डजंट हैव एनी कंपेरेबल प्रॉपर्टीज. ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट विच हैव कंपेयर द एटॉमिक मासेस विद एटॉमिक प्रॉपर्टीज. द लिमिटेशंस आर यू कैन राइट एनी नंबर ऑफ लिमिटेशंस. यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ निकल कोबाल्ट, यू कैन अगेन गिव द एग्जाम्पल ऑफ निकल कोबाल्ट दैट इज प्लेस्ड इन अ हैलोजन फैमिली. यू कैन give a example of a metal which is placed in the oxygen family. You can give example of the metal which is placed in the nitrogen family too. You can give example of the oblong elements are placed. So you can say that up to 20, that is calcium, it has a good atom, good periodic table. Beyond calcium it doesn't have any good periodic table. Aur iske baad bhi aur bhi jo synthesize hue hain, to it has not been placed in the Newland periodic table. Got it? So we will continue tomorrow with the Mendeleev's.